बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, तीन चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। अब उससे निवेदन करेंगे प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्या बाई, साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक, जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे, उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ, नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अधिदेव महादेव देता है। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को
देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी? बोलो, धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर किडनी कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर महामृत्युंजय का स्मरण कर एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या पांच धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा पांच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है